तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ एडवोकेट तनुषा मिश्रा, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। तो आज हमारे चैनल पे एक वीडियो लाइव हुई है, हाउ टू क्रैक डीजीएस पार्ट वन में आई है, पार्ट टू भी इसका जल्दी आ जाएगा। और अभी एक सेकंड वीडियो लाइव होने वाली है, हाउ टू क्रैक हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज, जो कि पायल मैम का वीडियो है, आप उसे प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि आप कैसे तैयारी करें, क्या सिलेबस होता है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम कोई भी एक्ट नहीं पढ़ने वाले हैं, आज हम कुछ ऐसा पढ़ने वाले हैं जो हमारे समाज में बहुत तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं, लड़कियों का सरनेम। तो क्या ये ज़रूरी है कि लड़कियों का सरनेम जो इतनी तेज़ी से बदला जा रहा है, बच्चे के नाम के साथ सिर्फ पिता का ही सरनेम क्यों लगता है? क्या मदर का सरनेम नहीं लग सकता? कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी मदर का सरनेम लगाने से? तो क्यों, मतलब ऐसे तो हम इक्वलिटी 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 की बात करते हैं, बट जहाँ पे ऐसी चीज़ें आती हैं वहाँ पे सोशल इक्वलिटी कहाँ चली जाती है? सिर्फ लड़कियाँ ही क्यों अपना सरनेम बदलती हैं? लड़के तो कभी नहीं बदलते। यहाँ शादी तो दोनों की होती है, लड़की की भी और लड़के की भी, तो सिर्फ लड़कियाँ ही क्यों सरनेम बदलती हैं भाई? लड़के क्यों नहीं बदलते? लड़कियाँ अपना घर छोड़ कर जाती हैं, मतलब सारे रूल्स, सारे कस्टम, सारे रिचुअल सब लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए कुछ भी नहीं है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं। अभी फ्राइडे को दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत अच्छी बात बोली है, बहुत अच्छी चीज़ ऑब्जर्व करी है। देखो जजमेंट अभी पास नहीं हुआ है, कोई ऐसी जजमेंट नहीं आई है। देखो जजमेंट दो तरीके से आती है, एक एक ऑर्बिटर डिक्टम और एक रेशियो डिसेंडी। देखो ऑर्बिटर डिक्टम और रेशियो डिसेंडी क्या होता है, ये आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। कोई जजमेंट अगर पास होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, और कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ही एक बात बोली है जस्टिस रेखा पाली जी ने, जिसमें कि ये है कि क्या बच्चा जो है वो अपनी मदर का सरनेम लगा सकता है। उसमें एक फादर ने पिटीशन डाली थी, तो हम इसी टॉपिक पे आगे बात करने वाले हैं कि बच्चा अपनी मदर का सरनेम लगा सकता है। देखो ये टोटल क्या होता है ना, बच्चे की डिस्क्रिप्शन होती है। ऐसे तो हम लिबर्टी देते हैं हर चीज़ की, हर चीज़ की इक्वलिटी देते हैं, हमारा मतलब राइट्स देते हैं हम, बट राइट्स कैसे देते हैं हम? एक तरफ आपको राइट्स हम आपको दे रहे हैं कि आप बोलो, आपके पास बोलने का अधिकार है, संविधान आपको अधिकार देता है, लेकिन आप कुछ बोल देंगे अगर आप, मान लीजिए आपने कुछ भी बोल दिया, कोई कुछ गलत आपने बोल दिया तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। एक तरफ तो आप बोलने का अधिकार दे रहे हो, एक तरफ आप हमारा अधिकार छीन रहे हो, ठीक है। तो सिर्फ राइट्स मिलने से ही नहीं है कि राइट्स हैं, राइट्स को एग्जीक्यूट भी करो ना, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी। अब एक बार बताइए, जैसे आपका कोई नाम है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई नाम है आपका और आप उस पर्टिकुलर नाम से लोग आपको जान रहे हैं पिछले 20-30 साल से, अभी आपकी सडन शादी हुई और आपका सब कुछ चेंज हो गया, तो क्या नाम बदलना ज़रूरी है? ऐसा किसी कानून में लिखा है? अगर कानून में लिखा है तो क्यों सिर्फ लेडीज़ का ही नाम बदलना ज़रूरी है? कानून तो सबके लिए बराबर है, तो लड़के का नाम क्यों नहीं बदला जाता? एक तो आज हम ये टॉपिक अपना क्लियर करेंगे कि नाम बदलना क्यों ज़रूरी है, और क्या ऐसा किसी कानून में लिखा है, ऐसा लॉ कहता है? मतलब ये चीज़ कभी किसी ने नोटिस की है कि सिर्फ शादी होते ही झट से लड़कियाँ अपना नाम बदल लेती हैं? आजकल तो खैर ट्रेंड पे चल रहा है कि लोग अपने इंस्टा पे, फेसबुक पे जो हीरो हीरोइंस हैं, जैसे प्रियंका चोपड़ा जी की शादी हुई तो उन्होंने अपने नाम के आगे अपने निक जोनस का नाम ऐड कर लिया, करीना कपूर जी की शादी हुई तो उन्होंने करीना कपूर खान लिख लिया। तो ऐसे देखो क्या है ना, ये तो एक ट्रेंड की बात अलग है, ट्रेडिशन की बात अलग है कि लोग लिख लेते हैं, बट जैसे मान लो कोई नहीं लिखना चाहता है, जैसे कोई अपने फादर के नाम से ही चल रहा है, ठीक है। आजकल क्या होता है सोसाइटी में कि वर्किंग वूमेंस हैं, इंडिपेंडेंट हैं, उनकी अपनी आइडेंटिटी है, तो उन्हें लगता है सडन मतलब वो अपना नाम क्यों चेंज कर ले, उनकी आइडेंटिटी सडन वो क्यों बदल ले, थोड़ी चीज़ों में प्रॉब्लम आ जाती। अगर वो चाहती हैं कि मैं अपने बच्चे के नाम के आगे अपना नाम ही लिखूं, तो इस चीज़ में प्रॉब्लम क्या है? ऐसा कौन सी कानून की किताब कहती है? तो आज हम यही जानेंगे कि ये चीज़ें कहाँ पर दी हुई हैं। तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो से जुड़े रहिएगा एंड तक, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक किया करिए, आपके लाइक करने से कुछ भी नहीं होता, बस हम बहुत मोटिवेट होते हैं और आपके नेक्स्ट उसी स्पिरिट के साथ वीडियो लाते हैं। एंड सेकेंड थिंग कि कोई चीज़ हम पढ़ के हमें याद नहीं होती, बट सुनने से हमें याद हो जाती है। तो टारगेट फॉर आईक्यू एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आपको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन तुरंत अपडेट देता है, और ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी यहाँ पे बहुत आते हैं, तो वीडियोस आती रहती हैं, तो प्लीज़ आप स्टे कनेक्टेड। अब हम आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है कि चाइल्ड हैज राइट टू यूज मदर सरनेम, जो कि जस्टिस रेखा पाली जी ने ऑब्जर्व किया है। आप इसको चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं अगर आपको क्लियर दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा तो मैं आपको डिक्टेट कर देती हूँ। द दिल्ली हाई कोर्ट ऑब्जर्व रिसेंटली दैट एवरी चाइल्ड हैज राइट टू यूज देयर मदर सरनेम। आपने नोट कर लिया है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। एंड द फादर डज नॉट ओन द चाइल्ड टू डिक्टेट। डिक्टेट मतलब क्या होता है, हुक्म चलाना, डिक्टेटरशिप, ठीक है। डिक्टेट दैट शी शुड यूज ओनली हिज सरनेम। कोई भी फादर अपनी वाइफ को फोर्स नहीं कर सकता, मतलब कोई भी पति अपनी बीवी को फोर्स नहीं कर सकता कि वो सिर्फ उसी का सरनेम उसके बच्चे के पीछे लिखे, ठीक है।
while hearing a petition moved by a man against his wife decision to change their daughter's name. एक मैन एक इसमें हस्बैंड है जो अपनी वाइफ से अलग रह रहा है और उसने दिल्ली हाईकोर्ट में पिटिशन मूव की, रिट पिटिशन मूव की कि मुझे मेरी मेरे बच्चे के जो मेरी डॉटर है उसके सरनेम के पीछे नाम चेंज करना है बिकॉज मैं अपनी वाइफ से अलग रह रहा हूँ और मैं चाहता हूँ, मुझे अप्रहेंशन है कि जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं LIC है, स्कूल के डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें बच्चे को वो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे जो एक फादर के बेनिफिट्स होने चाहिए. तो मैं चाहता हूँ कि मतलब मेरी वाइफ का सरनेम उसके नाम के आगे से हटा करके मेरा सरनेम कर दिया जाए. तो दिल्ली हाईकोर्ट ने बहुत अच्छी चीज़ ऑब्जर्व की है. दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला है, ये बोला है दिल्ली हाईकोर्ट ने कि माइनर डॉटर है वो और उसको आप फोर्स नहीं कर सकते, वो उसकी मर्जी है. तो फादर ने बोला वो डिसाइड नहीं कर सकते भी माइनर है. तो हाईकोर्ट ने ये ऑब्जर्व करा है कि आप उसे मेजर होने तक का आप वेट कर लीजिए. ये बच्चे की टोटली डिस्क्रिशन है कि वो किसका सरनेम लगाएगा. ये कोई बात नहीं है, कोई राइट नहीं है कि आप अपनी मतलब सरनेम अपनी वो मदर का सरनेम हटाएं. ठीक है, क्योंकि बच्चा दोनों का होता है, सिर्फ वो फादर का ही बच्चा नहीं होता. अब यहाँ पे बात क्या आती है, देखो कभी कभी क्या होता है, इंटरकास्ट शादियाँ होती हैं, इंटर रिलीजन शादियाँ होती हैं. फॉर एग्जाम्पल एक लड़का है और एक लड़की है, ठीक है, और दोनों अदर अदर कास्ट से बिलोंग करते हैं. ठीक है, जैसे मान लो कि फादर की कास्ट ऐसी है जिसमें बेनिफिट्स ज़्यादा मिलते हैं, कुछ ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, तो वो अपने मतलब वो अपने बच्चे का जो सरनेम है वो अपना. देखो इंडिया में हमारे क्या होता है ना कि सरनेम से ही कास्ट डिसाइड होती है. सरनेम से लोग पूछते हैं, नहीं यूपी बिहार की साइड अभी भी अगर आप किसी को अपना खाली नाम बताएंगे ना, कोई आपसे पूछेगा आपका नाम क्या है, आप अपना नाम, मेरा नाम जैसे तनुषा है, मैं बताऊंगी कि माई सेल्फ तनुषा. नहीं बेटा अपना पूरा नाम बताओ, मैं बताऊँगी माई सेल्फ तनुषा मिश्रा, तो वो ऑब्जर्व करेंगे अच्छा मिश्रा हो. तो यूपी बिहार का ये सीन है, मतलब ये और ये चीज़ बहुत मतलब सोशल स्टेटस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत अनइक्वल है, बहुत इनइक्वेलिटी है. तो अभी भी इंडिया में क्या होता है, ब्रिटिश टाइम से चला आ रहा है कि आपको आपके सरनेम से पहचाना जाता है. तो इसलिए बच्चे के नाम के पीछे जो सरनेम होगा उसी सरनेम से उसे पहचान लिया जाता है. इसलिए फादर का सरनेम यूज़ करते हैं, इसलिए फादर का ही सरनेम यूज़ करते हैं, मदर का नहीं यूज़ करते. बट जैसे इंटरकास्ट शादियाँ होती हैं तो मदर जैसे मान लो किसी मदर मान लो वो कोई और कास्ट से बिलोंग करती है, ठीक है, और फादर किसी और कास्ट से बिलोंग करता है. फादर की कास्ट ऐसी है या मदर की कास्ट ऐसी है, देखो बच्चा अगर फादर के सरनेम से चलेगा तो ऑब्वियसली फादर की बेनिफिट्स ही बच्चे को मिलेंगे. ठीक है, तो इसलिए फादर का सरनेम लगाया जाता है. बट कोई ज़रूरी नहीं है, मदर अपना सरनेम भी लगा सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है. और दूसरी बात यह कि अगर इंटरकास्ट शादी हुई है तो वाइफ को वो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे जो हस्बैंड गए. अगर वाइफ जनरल कास्ट से बिलोंग करती है तो वो लाइफ टाइम जनरल रहेगी, हस्बैंड किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो रिजर्व कैटेगरी से रहेंगे और उनके बच्चों को जो हस्बैंड की कैटेगरी है वो राइट्स उनके बच्चों को मिलेंगे. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ऐसा क्या ज़रूरी है कि मदर का सरनेम हम नहीं लिख सकते, सिर्फ फादर का लिख सकते हैं, ऐसा किसी कानून की किताब में लिखा है? नहीं, ज़रूरी क्या है, मैरिज रजिस्ट्रेशन. मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है. ये चीज़ ज़रूरी नहीं, देखो शादी होती है ना लोग सबसे पहले क्या करते हैं, अपना सरनेम बदल लेते हैं. एक मिनट नहीं लगता उन्हें कि वो अपनी इंस्टा पे फेसबुक पे हर जगह पति के नाम के साथ. ठीक है, अच्छी बात है, इससे प्यार शो होता है, आप करो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है. ये किसी लॉ में नहीं लिखा, किसी कानून की किताब में नहीं लिखा. ज़रूरी क्या है, ज़रूरी है मैरिज रजिस्ट्रेशन, जो कि कहाँ डिफाइन है, जो कि डिफाइन है द हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 8 में डिफाइन है. और ये किस केस से आया था, ये आया था अश्विनी वर्सेस सीमा के केस से. सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था इसमें, सुप्रीम कोर्ट गिवन डायरेक्शन स्टेट गवर्नमेंट टू कंपलसरी मैरिज रजिस्ट्रेशन. सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया था कि मैरिज रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी किया जाए. अब रजिस्ट्रेशन कैसे होते हैं, टू टाइप से होते हैं, एक होता है हिंदू मैरिज एक्ट में रजिस्ट्रेशन, एक होता है स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्ट्रेशन. ठीक है, स्पेशल मैरिज एक्ट में कौन से रजिस्ट्रेशन होते हैं, जो इंटर रिलीजन मैरिजेज होती हैं, हिंदू मुस्लिम की जो मैरिजेज होती हैं उसके उससे रिलेटेड रजिस्ट्रेशन स्पेशल मैरिज एक्ट में होते हैं. जैसे कि करीना कपूर खान जी का रजिस्ट्रेशन, शादी जो हुई है वो स्पेशल मैरिज में हुई है, तो रजिस्ट्रेशन भी स्पेशल मैरिज एक्ट में ही होगा. तो सरनेम बदलना ज़रूरी नहीं है, रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है. जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हो प्रॉपर एक फॉर्मेट आपको मिलता है, उस फॉर्मेट में ये लिखा जाता है कि मेरा पहले सरनेम मिश्रा था, अब मेरा सरनेम फलाना फलाना बनने वाला है, या मेरा पहले मैं पंजाबी थी अब मैं कुछ और बनिया बनने वाली हूँ. मैं यहाँ पर किसी कास्ट को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जैसे मेरा सरनेम कुछ और है, मेरा शादी से पहले मेरा सरनेम ये था, अब मेरा सरनेम ये होने वाला है, तो उसमें प्रॉपर हम लिखते हैं फिर सरनेम चेंज होता है. या फिर आप कोई स्टडी कर रहे हो और कॉलेज वालों से बोलते हो
हो कि मुझे ये डिग्री, जैसे मान लो आप कोई पीएचडी कर रहे हो तो आप कॉलेज वालों से कहते हो मुझे डिग्री मेरे हस्बैंड के नाम की चाहिए, तो फिर वो बोलेंगे आप एक एफिडेविट फाइल करो। अगर आपने मैरिज रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखा दोगे और साथ में एफिडेविट भी लगता है उसमें, जिसमें हम सारी चीज़ें डिस्क्लोज करते हैं। होप आपको समझ आ गया होगा। अब एक चीज़ और हम आपके सामने डिस्कस करना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2020 को एक बहुत अच्छा मतलब डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का कि डॉटर्स हैव इक्वल राइट्स, इक्वल डॉटर्स क्लेम इक्वल इन पेरेंटल प्रॉपर्टी। डॉटर्स जो है पेरेंटल प्रॉपर्टी, उनका इक्वल राइट्स है, को पार्टनर मानी गई है डॉटर, ठीक है। तो 11 अगस्त 2020 को आया था, बट आफ्टर 2005 डॉटर्स भी थी, मतलब डॉटर्स का नाम था हिंदू सक्सेशन एक्ट में, बट इसमें ये डॉटर को पार्टनर मानी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी बात एक बोली है, जिसे आपने कहावत सुनी होगी ना, बेटी हरदम साथ निभाए बेटा जब तक बहू ना आए। अब इसको हम उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर हर बहू बेटी बन जाए तो फिर बेटा बदले ही क्यों, ठीक है। तो ये तो खैर सोशल चीज़ें हैं, सामाजिक तौर की बातें हैं, यहाँ पे अगर डिस्कस करूँगी बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन करिए, वहाँ पे हमारे लाइव इंटरेक्शंस होते हैं, वहाँ पे हम आपसे बहुत सारी बातें कर सकते हैं, ओके। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्या बोला था, ये आप नोट करिए, वंस अ डॉटर ऑलवेज अ डॉटर। अगर एक जो लड़की है वो हमेशा बेटी रहती है, बेटी हरदम साथ निभाए बेटा जब तक बहू ना आए, ये कहावत है, वंस अ डॉटर ऑलवेज डॉटर, और डॉटर रिमेन डॉटर थ्रू आउट द लाइफ, ओके। वंस अ डॉटर ऑलवेज डॉटर, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी बात बोली थी, वंस अ डॉटर ऑलवेज डॉटर, डॉटर रिमेन थ्रू आउट द लाइफ। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, जैसे आजकल इक्वलिटी की आइडियोलॉजी है, बहुत सारी लेडीजें कहती हैं कि मैं इक्वलिटी की मांगती हूँ, मैं अपना सरनेम नहीं चेंज कर रही, मेरी आइडेंटिटी चली आ रही है, जैसे कोई डॉक्टर है तो उसके नाम क्या कि डॉक्टर डैश डैश वो लिखती आ रही है, तो मैं अचानक अपना नाम क्यों बदल लूँ, पति का नाम क्यों लिख लूँ। बहुत सा आज और आजकल हमारी सोसाइटी में मैं देख रही हूँ, मैं पर्सनली ऑब्जर्व कर रही हूँ, मेरी फैमिली में भी मतलब कोई किसी को फोर्स नहीं करता, जिसका जो मन करे वो सरनेम लिखे, यही तो चेंज है। आजकल इंटरकास्ट मैरिजेस हो रही है, सब कुछ हो रहा है, इसी तरीके से यही तो चेंज है हमारी सोसाइटी में, इस तरीके से तो हम डेवलप्ड होंगे, बाकी कंट्रीज में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये नोट डाउन कर लो, इसके बाद मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट डिस्कस करने वाली हूँ, गीता हरिहरन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी, बाकी मैं आपको डिटेल उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, तो आप ये नोट डाउन कर लो। ये था हमारा आज का टॉपिक, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो हमारी सोसाइटी में कंटिन्यूस चेंज हो रहा है उससे रिलेटेड ये टॉपिक था। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ाऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, गीता हरिहरन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देती हूँ कि इस केस के बाद ही हर फॉर्म में जो हम फॉर्म फिलअप करते हैं उसमें मदर्स नेम का ऑप्शन आया था। इस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज की थी मिस हरिहरन ने आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 को, तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, इसके आगे पार्ट सेकंड में है वो, किस केस में क्या हुआ था, क्यों इतना बड़ा चेंज आया, मतलब मदर्स का नाम कैसे इंक्लूड हो गया। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, और हमारे पेड ग्रुप्स चल रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि हमारी टंग स्लिप हो जाती है, तो हम यहाँ पे सुधार नहीं सकते, हमने जो रिकॉर्ड कर दिया वो हमने डाल दिया, अब बहुत ज़्यादा एडिट करेंगे तो हमारी काम की बातें भी कट पड़ जाएंगी, तो इसलिए हम यहाँ पे जैसा रिकॉर्ड करते हैं वैसा डाल देते हैं, बट हमारे जो पेड ग्रुप चल रहे हैं जूम पे लाइव इंटरेक्शन होता है हमारा, तो उस इंटरेक्शन में हम आपको जो जहाँ पे हमारी टंग स्लिप होती है आप हमें बताते हो, अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप हमसे पूछ सकते हो, तो इसलिए हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करिए जिसकी बहुत नॉमिनल फीस है। और हाँ, टारगेट फॉर IQ ने एक अपना जो है ऐप बना लिया है, जो आप प्ले स्टोर से डाउन कर सकते हैं, और हमारे पब्लिक ग्रुप टेलीग्राम पेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग लेटेस्ट वैकेंसीज अपडेट्स, रिगार्डिंग लेटेस्ट करंट अफेयर्स, रिगार्डिंग लेटेस्ट जजमेंट्स, तो प्लीज़ गो एंड ज्वाइन। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर किया करिए, कमेंट किया करिए, जिससे हम बहुत मोटिवेट होते हैं, और फिर हम नेक्स्ट आपके लिए उसी स्पीड के साथ वीडियो लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।